ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यार 12 पास हो गए, क्या बात है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे? देखो यार, हर बच्चे का भी अलग अलग ड्रीम होगा कि मुझे ये करना है, आगे जाके वो करियर अपॉर्चुनिटी में जाना है। देखो आज जब से डिजिटलाइजेशन आया है, ठीक है, पिछले 2-3 सालों में चीजें बदली है। बहुत सारे ऐसे करियर्स उभर के आए हैं जिसमें आप जा सकते हो, ऐसे करियर जो पहले के टाइम में नहीं थे, अभी पिछले 2-3 सालों में आए हैं, जिसमें आप एंट्री ले सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है और कंपटीशन कम है। ठीक है, ये सारे करियर्स के बारे में बहुत जल्द बात करने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में मैं तो आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। बट वो सारे करियर्स के अंदर घुसने से पहले अगर आपको मतलब बोलते ना पढ़ाई भी अच्छी करना है, और वो पढ़ाई करने का जो फीस लगता है वो भी अगर आपको एज अ स्कॉलरशिप बेस में कोई दे दे तो बोलो कितना मजा आ जाए, है ना। तो आज के सेशन में वो सारे बच्चों की मैं बात करने वाली हूँ जो स्पेशली साइंस फील्ड में है। 90% साइंस के बच्चे जो होते हैं उनका ड्रीम होता है कि हमको डॉक्टर बनना है। नीट एग्जाम वो देते हैं एम्स में एडमिशन लेने के लिए, और बाकी जो बच्चे होते हैं उनको JEE देना होता है या महाराष्ट्र का स्पेसिफिक अपना MHCET, राइट। तो आपको पता है यार, इंडिया में इतनी सारी क्लासेस ओपन है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं किधर एडमिशन लूं, कहां से पढूं, फ्री में कौन हमको पढ़ाएगा, है ना। तो इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूं। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा नीट JEE MHCET नहीं करना चाहता है, सिंपल सा BA BCom BSc करना चाहता है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप्स है जो गवर्नमेंट देती है फ्री ऑफ कॉस्ट भर के, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। अरे भाई, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप्स निकाली गई है जो है इंडिया में, जो आपका अगर 12th में अगर आपको 75% आता है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% गारंटी। बस आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं, बस फॉर्म भरना है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे खुद मिली है 12th के एग्जाम के बाद, ठीक है। तो मैं बताने वाली हूँ इस सेशन में। पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ नीट एंड JEE के बारे में। देखो, नीट एंड JEE एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको गाइडेंस, करियर, मतलब बोलते हैं ना एक प्रॉपर अगर स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक प्रॉपर फैकल्टी टीम मिल जाए तो आप ये एग्जाम फोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, देखना है कि देखो यार मैं एग्जाम में अपियर हो रहा हूँ, नीट हो या JEE में, इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, MHCET भी, ठीक है, क्लासेस भी बहुत सारी है। तो ऐसी कौन सी क्लासेस है जो पिछले 10-15 सालों से सबसे ज्यादा रैंकर्स प्रोवाइड करिए। यार गूगल सब कुछ गूगल देते हैं, उससे पूछिए ना, क्यों नहीं पूछते। तो देखो मैंने आपका काम आसान करी, मैंने यहाँ पे क्या लिखी हूँ, मैंने लिखी हूँ विच क्लासेस प्रोड्यूस लार्जेस्ट रैंकर्स इन नीट और JEE, ठीक है। तो इधर पे मैंने सर्च करी, रिजल्ट आया। चलो पहले रिजल्ट देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, अपने इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर है, इसमें क्या बोला है, कौन सी क्लासेस का नाम आया है, आकाश, ठीक है। आप सबको पता है यार आकाश इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। नीट एंड JEE की कैटेगरी में पिछले बहुत सालों से आज के टाइम में लगभग 50,000 बच्चे जो है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, IIT, एम्स में जाके पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक हो गई। अभी आप बोलोगे कि इस देखो जरूरी नहीं है सिर्फ आप अपने बेस पे सर्च करो, मैं यहाँ पे आपको अपना सर्च बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर है जो खुद बोल रहे हैं, तो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि अच्छा भाई ये ऐसी क्लासेस है जो सबसे ज्यादा रैंकर्स प्रोड्यूस करती है, चलो जरा इसकी और इन्फॉर्मेशन में निकालता हूँ। आप जाओगे आगे तो क्या देखो कि इसको क्या, ये कब से ओपन है, कितने साल हो गए हैं, इसके अंदर कौन कौन सी फैकल्टीज है, कितने अवार्ड्स मिले हैं, तो इधर पे आपको दिख रहा होगा। देखो मैं आगे आपको बाकी सारे स्ट्रीम्स भी बताने वाली जो नीट और JEE नहीं देना चाहते हैं, तो बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आकाश को इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, फिर वो इनोवेटिव लर्निंग पे क्यों ना हो, वो बेस्ट फैकल्टी पे क्यों ना हो, वो बेस्ट ब्रांड इन एजुकेशन इंडस्ट्री में क्यों ना हो, इतने सारे अवार्ड्स आज तक जीतते आया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि भाई अच्छा चलो ठीक है, पिछले साल के टॉपर्स जरा हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि 2021 हो, 2022 हो, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपर्स है, ठीक है, टॉप 10 में, टॉप 5 में, जो कि इसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होती है, बट अगर आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या कर दे, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर दे, मतलब कि ये जो आकाश इंस्टीट्यूट है ये आपके लिए ना, सच बताऊं, बहुत अच्छा बोलते ना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, ऑफर बोलते हैं ना, कि आप इनके लिए इनके क्लासेस में पढ़ो, ठीक है, आपको वो स्कॉलरशिप देंगे अप टू 90%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो स्कॉलरशिप देता है अच्छे अच्छे बच्चों को। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, ठीक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, एक बस टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट ऐसा है जहाँ पे अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो या आप 9th 10th 12th में हो या 12th पास हो चुके हो तो भी आप क्या कर सकते हो, ये एग्जाम में अपियर हो सकते हो। ये एग्जाम का नाम क्या है, जल्दी से आ जाओ, ये एग्जाम का नाम है एक मिनट है, इधर पे देखो एग्जाम का नाम क्या है, इधर पे आपको दिख रहा होगा IACST, ठीक है। IACST ये क्या होता है, ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है वो सारे बच्चों को जिनको आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जहाँ पे 90% स्कॉलरशिप ये खुद इंस्टीट्यूट आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको बस लिंक मैं दूंगी, इसको क्लिक करना है, आपको इधर पे आपका फोन नंबर डालना है, ठीक है। OTP आएगा, आपको अपना नाम वाम रजिस्टर कर देना है। जैसे आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा, आप टेस्ट के लिए अपना टाइम अलॉट करो। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, पहले तो साइंस से अपने नीट और JEE का क्लियर करते हैं, ठीक है। आप देखो, ठीक है, जरूरी नहीं है, देखो मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ कि आज के टाइम में जो इंसान जितना चीजों को एक्सप्लोर करेगा कि मेरे को अगर पढ़ना है तो मैं बेस्ट किधर से पढ़ सकता हूं और कम टाइम एंड कम पैसे में, तो आप सर्च करो चीजों को, ठीक है। मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ, रास्ते बता रही हूँ, अभी बाकी सारे बच्चों की भी बात करूंगी, ठीक है, जिनको क्या करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो सिंपल सा काम आपको करना है, रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाएगा, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये टेस्ट ओपन होता है। आप अपना टाइम चूज करो, जो भी टाइम आपको टेस्ट देना है, जो भी डेट में देना है चूज करो। 60 मिनट का ये टाइम होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगा। अगर आपका अच्छा परसेंटेज इसमें आ जाता है, अच्छी रैंकिंग आ जाती है तो ये स्कॉलरशिप्स आपको दे दी जाएगी 90% भाई साहब फ्री, ठीक है। उसके अलावा अगर आप JEE नीट नहीं देना चाहते हो, सिंपल से MHCT देना चाहते हो तो उसके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो, मतलब 12th के बाद कोई एडमिशन ले चुके हो डिग्री में तो उसके साथ साथ भी ये सारे आप प्लान्स को क्या बोलते हैं, एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हो, ठीक है। 8th के बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब आपके जो जूनियर्स होंगे उनको भी आप बता सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। याद रखना ये एग्जाम सिर्फ 2 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हो। इसका हाईलाइटिंग फीचर क्या है कि आप अपने टाइम पे टेस्ट अटेम्प्ट करो, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, और डेली कंडक्ट होता है, ये चीज याद रखनी है। तो आप क्या करो, देखो आप भले आपको एडमिशन नहीं लेना है मत लो, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं है, बट इस टेस्ट में एक बार बैठो, आप देखो कि मेरा रैंक क्या आ रहा है, मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या है, मेरा परफॉर्मेंस क्या है, बाकी सारे बच्चों के बेस पे मेरा रैंक क्या आ रहा है, मैं किधर, मेरा मतलब बोलते हैं ना मेरा लेवल क्या है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यार मेरा तो इतना कम रैंक आया, मेरे को और अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा रैंक आया तो यार स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और आपको अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है आपके लिए प्रोवाइड करवाती है, तो ये सब ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है, पहले बता रही हूँ, ये टेस्ट आपको जो देना है ये इट इज एब्सोल्युटली फ्री, इसका आपको 1 रुपया भी नहीं भरना है, ठीक है। आपको जो है मार्क्स, रिजल्ट, रैंक, क्वेश्चंस, आंसर सब फ्री में चेक होके मिल जाएंगे, ओके। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बात की बात है, ठीक है, पहले टेस्ट दो, अपना लेवल चेक करो। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पे देखो इसके एडमिशन के बहुत सारे फीचर्स है कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपको ओलंपियड कराया जाता है, आपको आपके बोर्ड एग्जाम के साथ प्रिपरेशन कराई जाती है, फाउंडेशन डेप्थ लेवल पे स्टडी मटेरियल दिया जाता है, टेस्ट सीरीज, स्पेशल क्लासेस, टॉप फैकल्टी, ठीक है। इंडिया का सबसे टेक्नोलॉजिकल ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल लैब इन लोगों के पास है, तो ये सारी चीजें इधर पे है, ठीक है। तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो एडमिशन लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ये आपकी चॉइस है, बट शफक मैम आपको क्या रिकमेंड कर रही है कि इनके टेस्ट में एक बार बैठ जाओ, ठीक है, फ्री है, कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से बात है, ठीक है। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया नीट एंड JEE के बारे में। अभी वो सारे बच्चे सुनो गौर से, अब वो सारे बच्चे देखो, इसका मैं पहले बता रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, याद रखना। पिछले 10 सालों में 50,000 बच्चे नीट एंड JEE क्रैक कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ओल्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और लगभग 200 ब्रांचेस इनके अभी आज के टाइम पे है, यानी वेल नोन है, आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अभी अपन बात करते हैं वो सारे बच्चे जो बोलते हैं ना नीट एंड जेईई उनका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिंपल सा बीए, बीकॉम, बीएससी करना है ट्वेल्थ के बाद, जो भी फील्ड में आप थे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको स्कॉलरशिप्स अवेल करनी है तो आप क्या करोगे, आप जाओगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये आपको नाम दिख रहा है इधर पे, मैंने जो टाइप करी हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे ना, आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगी, इसमें आपको जाना है, लॉग इन करना है। अलग अलग आपको स्कॉलरशिप्स के नाम इधर पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब देखो अभी पूरा इधर पे नहीं बताने वाली, पहले आपको खुद करना है। देखो जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, इसका डेट क्या है, ये कब चालू हुई, कब बंद हो गई, ठीक है, ये सब के बारे में इधर पे लिखा हुआ है। देखो डिसेबल पर्सन के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है, लेबर के लिए कौन सी है, ट्राइबल के लिए कौन सी है, वुमेन के लिए कौन सी है, तो यहाँ पे सब कुछ इधर पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्वेल्थ का आपका जब रिजल्ट आएगा तो ये सारे जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स होगी ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। चेक करते रहना है क्योंकि ये बंद हो जाती है बहुत जल्द और फिर बहुत पछतावा होता है कि यार नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे रिजल्ट आएगा ना आपको ट्वेल्थ का, उसके 95, 80% 85, तो उस कैटेगरी में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है सिर्फ उन्हीं बच्चों को जिन्होंने ये सब लिंक्स पे जाके अपना नाम रजिस्टर किए हैं, आधार नंबर डाले हैं, उनको ही गवर्नमेंट देती है। बाकी फिर फ्री में तो बैठे बैठे गवर्नमेंट थोड़ी आपके पास आएगी, बोलेगी इसको जरूरत ही नहीं, हम काहे को दे, है ना। जरूरत है, आप करना चाहते हो, इंटरेस्ट है, पढ़ाई में जज्बा है, तो आपको बिल्कुल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं लड़कियों के बारे में, ठीक है। ये तो देखो बहुत बेस्ट स्कॉलरशिप है मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, याद रखो। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप्स है जो लड़कियों को दी जाती है, याद रखना। अगर आपका परसेंटेज 75 के ऊपर आ जाता है 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको स्कॉलरशिप मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, और मुझे खुद मिली थी मेरे टाइम में, यानी पिछले 5 सालों में 12,000 मुझे मिला था, ठीक है, 12,000 मिला था। और मतलब अच्छा लगा था कि हाँ, मतलब मेरा तो 80 के ऊपर परसेंटेज आया था इसलिए मिल गया। 75 के ऊपर अगर आपका है, जस्ट मिनट, 75 के ऊपर अगर आपका परसेंटेज आ जाता है तो आपको क्या है, उस जमाने में 12,000 थी, इस आज के टाइम पे लगभग आपको 16 से 20 हजार, ठीक है, 16,000 से लेके 20,000 तक का स्कॉलरशिप। मतलब कुछ नहीं करना यार, फ्री है ऑन, मतलब मोबाइल लो ना, स्कॉलरशिप के नाम डालो, जो बता रही हूँ उसका जाके रजिस्ट्रेशन करो, अपना नाम डालो, फोन नंबर डालो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो डालो, ठीक है। ट्वेल्थ का जब आपका रिजल्ट आएगा उस वक्त आपको बोलेगा कि भाई ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया, आपका परसेंटेज डालो, स्क्रीनशॉट लिखो, अप्रूव्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके बैंक में। बैंक का भी लोग डिटेल पूछते हैं, ठीक है, बैंक का से आपको नंबर IFD वो डालना, अकाउंट नंबर डालना। बैठे बैठे 1 महीने के अंदर आपको आपका स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो देखो इससे बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े, जैसे मौलाना आजाद हो गए थे, इन्होंने सोशल वर्क बहुत ज्यादा किया, एजुकेशन फील्ड में इनका बहुत जज्बा रहा था, तो वे लोग सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि भाई तुम पढ़ो, पैसा हम देंगे। इसी को तो बोलते हैं स्कॉलरशिप की, कोई बच्चे को पढ़ने का जज्बा है, आगे जाके पैसे की वजह से वो रुक रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, सोशल वर्क के द्वारा, क्लासेस के द्वारा, जो बच्चों को सपोर्ट करती है कि भाई तुम आओ, अपना इंटरेस्ट तो, मतलब बोलते हैं ना, कदम बढ़ाओ, इंटरेस्ट तो दिखाओ, फिर बाकी की चीज हम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों को पता ही नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको अवेयर करी। बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स है, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट मिनट, बने रहिए। उसके अलावा देखो, पहले तो मैंने आपको JEE एंड NEET का इंफॉर्मेशन दी आकाश के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताई नेशनल पोर्टल के बारे में, आपके जिस हिसाब से आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब का भर दो, सभी भर दो यार, मैं तो बोलूंगी सभी भर दो, जहां से भी मिल रहा है मिल गया, मजा आ जाएगा, ठीक है। मौलाना आजाद लड़कियों लोग आपको भरने किसी भी हालत में। दूसरा अपना नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप। देखो यहाँ पे सच बताऊं ना तो अपने महाराष्ट्र वाले बच्चे, इनको थोड़ा सा लेस एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने CBSE वाले बच्चे होते हैं उनको हाई प्रायोरिटी दी जाती है, बट फिर भी भरने का थोड़ी पैसा है, भर दो ना, कोई आपको थोड़ी इसके लिए बोल रहा है कि पैसा लगेगा, ठीक है। दूसरा अपना राजश्री छत्रपति शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप, ये भी होती है, जो आपको क्या बोलती है कि देखो अगर आपका, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा लिमिटेशन आता है कि अगर आपके मम्मी पापा की सैलरी एक, बोलते हैं ना, 1,60,000, 1,02,60,000, मतलब पूरे साल भर की मिला के अगर इतनी है या इससे कम है तो ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स है। और फिर दूसरा अपना है नेशनल तो बताइए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, मतलब माइनॉरिटीज हिंदू के अलावा जो बाकी सारे रिलीजन है उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स है जो मैंने बताई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स, ठीक है। या सिंपल सी भाषा है, मैं आपको सारे के सारे स्कॉलरशिप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहां पे जाके आप क्लिक करके बाकी की इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। बस आपको कदम जरूर बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़िए, सपोर्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अपने मम्मी पापा का भी पैसा बच जाएगा यार, थोड़ा सा और क्या ही चाहिए। अभी मैं क्या बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, साइंस की अलग वीडियो आएगी, कॉमर्स की अलग एंड आर्ट्स की अलग। कि साइंस का आज के जमाने में बच्चा है तो भाई वो अपना बोलते ना आज के टाइम पे कौन सा बेस्ट करियर वो ले सकते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन भी कम है और भाई पैसे भर भर के है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, सेम कॉमर्स का मैं अलग लाऊंगी एंड आर्ट्स का अलग लाऊंगी। तो आई होप आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि अभी 12th हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं भाई बैठे रहना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। ये सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट्स होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये आपके लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उसको खींचो, अट्रैक्ट करो और लो और उसको लेके अपने आगे की फर्दर स्टडीज करो। अब्रॉड जाना है मतलब फॉरेन जाके आपको स्टडीज करनी है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है यार। एजुकेशन लोन आपको फ्री में दिया जाता है कि भाई ले तू पढ़, जब तेरी जॉब लग जाएगी ना तब तू वो लोन रीपे कर देना, तेरे को हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे लेंगे, मतलब अगर बहुत एक्सट्रीम केस होता है, वरना थोड़ा सा 2-3% इंटरेस्ट लग जाता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको अकेला महसूस नहीं करना है, जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं वो पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताओ, शफक मैम आपके साथ में है। लेकिन हमेशा याद रखना कि आप कभी भी पैसे के बेस में अपने सपने को मत तोड़ना, ठीक है। अपने कोई बड़े सीनियर से जाके बात करो, हो सकता है वो आपको हेल्प करे, ठीक है। तो मेरे से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, मेरे से इतना पॉसिबल होगा हो पाएगा मैं आपकी जरूर मदद करूंगी, ठीक है। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजा आने वाला है यार, तैयार रहना। Okay, bye bye everyone, love you all, take care.